हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि इनकी सैलरी क्या होती है, पर्क्स क्या होते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, प्रमोशंस कैसी होती हैं। तो आज पूरा बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप समझेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब आज हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसका अपना अलग जो बजट है वो बनता है, ठीक है। बजट पे अमाउंट फिक्स होता है कि इतने ही अमाउंट हम बीआरओ को देंगे, तो वो उसी के हिसाब से उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है। और इनके जो हेड होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आर्मी होते हैं। तो अगेन, जो भी कोई सिविल इंजीनियर होगा या फिर कोई भी इंजीनियरिंग साइड से होगा, वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर तो बीआरओ के नहीं पहुँच सकता है। और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो जीआरईएफ के अंडर होता है, ठीक है। तो ये रिजर्व इंजीनियर फोर्स है, तो उन्हीं से के थ्रू ये कुछ इनमें आर्मी पर्सनल्स होते हैं और कुछ जो हैं सिविलियंस होते हैं जो बीआरओ या फिर एमईएस के होते हैं, उनको मिलाकर के जीआरईएफ बनाई गई है। तो इसके भी आपको काफ़ी जगह पे इंडिया पे ऑफिस मिल जाएंगे, तो वही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो देखती है। अगेन, अगर हम देखें कि हमें बीआरओ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो गाइस क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो बाकी एजेंसीज हैं वो थोड़ा सा कतराती हैं कंस्ट्रक्शन करने से। तो इसीलिए हमें वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है बीआरओ की ज़रूरत पड़ी। तो बीआरओ वहाँ पे दो तरह के काम जो है सर्व कर लेता है। एक तो जो रोड्स है मिलिट्री के लिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं वो बना लेता है, और जो वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ पे लोकल्स रहते हैं उनके लिए भी उन रोड्स की आने जाने की जो है सुविधा हो जाती है। तो बीआरओ को जो जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, माउंटेन बना हुआ है और उसके बीच में से जो है नदियाँ और रोड जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ सिंबल है बीआरओ का। अगेन, आपने जो है कई बार अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए होंगे या बॉर्डर एरियाज़ के नज़दीक घूमने गए होंगे, तो आपने बीआरओ के ऐसे जो कोट्स हैं वो लिखे हुए देखे होंगे। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपने आप में, जो बीआरओ कोटेशंस अपने लिखता है सड़क के किनारे, तो लोग काफ़ी मतलब इंजॉय करते हैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, और करना भी चाहिए यार। इसमें बीआरओ काफ़ी काम करता है। आज से अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो जो लोग हैं वो बीआरओ के बारे में इतना नहीं जानते थे, ठीक है। तो जो इनफैक्ट जो सिविलियन आम आदमी को तो छोड़िए, जो इंजीनियरिंग साइड से लोग होते थे वो भी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर SSC JEE की तैयारी नहीं करते थे वो भी बीआरओ के बारे में नहीं जानते थे। तो 2020 में बीआरओ के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हुए हैं या शुरू हुए हैं, तो उनसे लोगों को पता चला है कि बीआरओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने टफ टेरेन में इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क करती है। और बीआरओ में गाइस जितने भी लोग होते हैं वो अनआर्म्ड होते हैं, ठीक है। उनको सिक्योरिटी मिलती है, नो डाउट, बट उनको जो आर्म्स की ट्रेनिंग है वो इतनी नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत दी जाती है जो कि उनकी नॉर्मल ट्रेनिंग के साथ होती है, जिसमें उनको परेड वगैरह ये सब करवानी सिखाई जाती है ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। तो ये वो एक छोटे से बिल्कुल थोड़ा सा एक पार्ट सिखाया जाता है, प्रॉपर एक आर्म ट्रेनिंग या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो गन्स लेकर के खड़ा होगा जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये कुछ और कोट्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे पहाड़ के किनारे, जब रोड्स के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो। एंड अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो गाइज, इसको ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए जो सिविलियंस हैं भी, तो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, SSC JEE, ठीक है। तो तीसरा जो तरीका है गाइज, वो आर्मी पर्सनल्स के लिए है। यदि कोई आर्मी में ऑलरेडी है जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो वो डेपुटेशन के लिए या परमानेंट भी वो एब्जॉर्व हो सकते हैं। इनके लिए गाइज क्या एक छोटा सा बेनिफिट होता है इनके लिए, कि अगर ये परमानेंट एब्जॉर्व हो जाते हैं बीआरओ में आर्मी पर्सनल, तो ये टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं, जहां तक कि एक सिविलियन नहीं पहुंच सकता। तो ये इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो तो अलग ही चला होता है। और UPSC जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं तो उनको 70-85,000 मिलते हैं, जो कि गाइज बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बच्चे क्लियर करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनसे ये ज़्यादा है, और SSC JEE में भी ऐसा ही है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स में जाते हैं वो उनसे थोड़ी सी सैलरी बीआरओ में ज़्यादा है। यहाँ पे 45-60K मिलती है। इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हो, तो एल्टीट्यूड का भी आपको कुछ अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड टू एल्टीट्यूड वेरी करता है, और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपको इसमें मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा अलाउंस मिला करके यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो बाकी इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है, आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अगेन, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि गाइज एक से जब 2020 से पहले लोग
जो है बीआरओ में जो लोग सिलेक्ट होते थे वो ज़्यादा टाइम तक बीआरओ में रुकते नहीं थे, वो अपनी या तो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके वो उसमें चले जाते थे, या फिर वो फिर से ईएससी की प्रिपरेशन देते थे, एग्ज़ाम देते थे ताकि उनकी जो है अच्छी रैंक आए और वो उनको कोई और डिपार्टमेंट मिल जाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो गाइज इनका हार्श वेदर कंडीशन है, आपको कहीं पर भी काम करना पड़ सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, या फिर वहाँ पे बहुत स्नो हो रही है, या फिर वहाँ पे सीधी जो स्टिफ जो स्लोप है, तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे दिक्कत। तो उन वेदर कंडीशन में आपको काम करना होता है। टोपोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप कम हो सकती है, वहाँ पे भी आपको रोड बनाना है, तो इसकी जो टोपोग्राफी है ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है, ठीक है। और गाइस कई बार आपको बॉर्डर एरियाज पे काम करना होता है, तो वहाँ पे जो है थ्रेट होता है आप एनिमी कंट्री का कि वो आपके अटैक ना कर दे, जैसे कि अभी गलवान में जब स्टैंड ऑफ था तो गाइस जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो उस टाइम बीआरओ कर रहा था, तो उस टाइम उनके ऊपर थ्रेट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। ऐसे तो आर्मी है उनकी हेल्प करने के लिए, पर एक टेंस्ड सिचुएशन में इन पे यहाँ पे काम करना होता है, तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो नॉर्मली गाइस बीआरओ की नीड भी तभी पड़ी क्योंकि इन सभी चैलेंजेस के होने के बावजूद वहाँ पे जो नॉर्मल कंपनीज है वो काम नहीं करती थी, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था वो इतना काम नहीं करते थे, तो इसीलिए बीआरओ को बनाया गया। हालांकि एमईएस भी ये काम कर सकता था, पर बीआरओ को एक अलग डिवीज़न ही बना दिया गया ताकि वो बॉर्डर रोड्स के बॉर्डर के आसपास जो है रोड्स उन्हीं को ही कंस्ट्रक्ट करे। अगेन गाइज वर्क की बात करें तो गाइज ये जो बीआरओ है ये रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, टनल्स बनाता है और मेंटेनेंस वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस भी इनके लिए कोई नहीं कर पाएगा जबकि क्योंकि वो बॉर्डर पे ही रोड होंगे। तो गाइज टनल तो आपको पता ही होगा कि अभी अटल टनल बनी है वो बीआरओ के ही अंडर है, जबकि वो बॉर्डर एरियाज पे भी नहीं है, बट वो आर्मी के लिए टनल बनाई गई है, तो प्राइमरी यूज़ बेसिकली उसका आर्मी ही है, तो इसीलिए वो टनल जो है आर्मी जब आर्मी के लिए बनाई गई तो वहाँ पे वो सारा का जो प्रोजेक्ट है वो बीआरओ ने ही कंप्लीट करवाया है। और ब्रिजेस भी आपने काफ़ी देखे होंगे, यहाँ पे दो तरह के ब्रिजेस बनाते हैं, एक टेम्परेरी ब्रिजेस इनको थोड़े टाइम के लिए बनाया जाता है फिर रिमूव कर दिया जाता है, और एक परमानेंट ब्रिजेस, ठीक है, तो ये भी बनाते हैं। और जो इनकी ब्रिज यूनिट है वो अलग है, ठीक है, एक ही जगह पे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि ले में अगर एक बीआरओ की यूनिट है तो वहाँ पे एक ही पोजीशन पे दो एई हो सकते हैं या दो जेई हो सकते हैं, एक को रोड्स का काम होगा तो दूसरे को ब्रिजेस का काम होगा, ठीक है, तो ये भी ऐसे दो हैं, एक जगह पे दो एईज हो सकते हैं, तो इनकी जो ब्रिज यूनिट है और जो रोड यूनिट है वो अलग अलग है, ठीक है। और रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं गाइज, ये बीआरओ दो तरह के रोड्स की कंस्ट्रक्शन करता है, एक जो नॉर्मल रोड्स हमारे होते हैं जिन पे हम लोग की गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, और जो दूसरे रोड्स होते हैं गाइज वो होते हैं स्ट्रेटजिक रोड्स, ठीक है। स्ट्रेटजिक रोड्स गाइज वो रोड्स होते हैं इनमें जो जिनके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, जो कि बीआरओ के पास ही हैं, उन्होंने ही इनको बनाया है। और क्या होता है कि ये स्ट्रेटजिक रोड्स तब काम आते हैं जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वहाँ पे जो टैंक्स और उनकी जो हैवी जो मशीनरी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सकें और रोड को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्ट्रेटजिक रोड्स को बनाया जाता है, तो ये उन रोड्स की भी कंस्ट्रक्शन करता है। तो यहाँ पे आपको देखिए सीखने को तो काफ़ी मिलेगा क्योंकि स्ट्रेटजिक रोड एक नया ही कंसेप्ट है, एक नई ही चीज़ है, तो वो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा कि वो कैसे बनाते हैं, क्या वो मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब आपको वहाँ जाके पता चलेगा। अगेन गाइस जो बीआरओ है ये भी अपना जो काम है ये दो तरीके से करती है, एक तो खुद कर लेती है क्योंकि इनके पास पूरा एक बहुत अच्छा वर्क फोर्स है, और दूसरा ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट पे इतना नहीं देती है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी पसंद नहीं करते हैं इतनी हार्श कंडीशन में काम करवाना अपनी लेबर से, और लेबर भी छोड़ के चली जाएगी ऐसी हार्श कंडीशन में ये लोग काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही काम खुद भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे भी देते हैं, जो लोकल वहाँ पे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको दे देते हैं। अगेन गाइज इनके जो इंडिया में इस टाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 18 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप इनके हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना नाम है, ठीक है, और हर एक प्रोजेक्ट एक लोकेशन पे है, जैसे आप जीएन के श्रीनगर में देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को जम्मू में देख सकते हैं, तो उसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, और इनके अपने सिम्बल्स भी अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये सब है इनका। आप देखेंगे तो मोस्टली बॉर्डर एरियाज पे ही इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और एक आधा प्रोजेक्ट इनका पुणे महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और गाइज यदि मैं बात करूँ तो ये जो बेसिकली आप इनको जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंदर भी चलते हैं, ठीक है, पर ये बेसिकली एक बताने का तरीका है, जैसे कि कोई जम्मू कश्मीर में तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जैसे कि आर्मी अपने रेजिमेंट्स का अलग अलग नाम देती है, तो एक आप इसको काइंड ऑफ रेजिमेंट समझ सकते हैं, बट ये रेजिमेंट नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और इनके दो कंट्रीज़ का फॉरन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, एक भूटान के साथ चल रहा है और एक म्यांमार के साथ चल रहा है, ठीक
ठीक है, और अफगानिस्तान में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आपको फॉरेन जाने का भी इसमें मौका मिल सकता है बीआरओ के थ्रू। ठीक है, अगेन हम पर्क्स की बात कर लेते हैं, तो पर्क्स गाइस सीएसडी कैंटीन, आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी गाइस। मेडिकल फैसिलिटी आपको इसमें जो मेडिकल जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, जबकि एमईएस में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एमईएस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और लीव ट्रैवल कंसेशन मिल जाएगा, यदि आप लीव के टाइम पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर के लिए तो आपको उसका भी पैसा मिल जाएगा। सीयूजी सिम मिल जाएगी, सीयूजी सिम हालांकि हर डिपार्टमेंट में ही मिल जाती है। ठीक है, लीव्स मिल जाएंगी गाइस, जो बीआरओ में आपको लीव्स मिलती हैं वो अदर इंजीनियरिंग जॉब्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आपको 90 to 100 जॉब्स मिल जा सॉरी 90 to 100 आपको लीव्स पर ईयर मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी लीव्स मिला के हैं। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको मिल जाता है, एकोमोडेशन मिल जाता है। ठीक है, पर एकोमोडेशन में गाइज आप फैमिली को नहीं रख पाएंगे क्योंकि नियरेस्ट को स्कूल्स नहीं होते हैं अच्छे, या फिर वो एक कल्चर नहीं होता है जैसे कि एमईएस में। तो आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं, वहाँ पे आर्मी स्कूल्स होते हैं, केवी स्कूल्स होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आप फैमिली को तो नो साथ में नहीं रख पाएंगे इतना, बट हाँ फिर भी आपको गवर्नमेंट एक अच्छा अकोमोडेशन दे देती है, जो मेस वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाती है, मेस फैसिलिटी वगैरह आपके ऊपर, आपका इंश्योरेंस करवा देती है गवर्नमेंट, आपको व्हीकल मिल जाता है क्योंकि आपको काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करना होता है, और काफ़ी अच्छे व्हीकल्स मिलते हैं बीआरओ में। अगेन गाइज आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है ये, ठीक है, तो इसकी जो यूनिफॉर्म है वो आर्मी की तरह नहीं होगी, पर इसकी जो यूनिफॉर्म है थोड़ी सी जो हमारी खाकी होती है पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है उस जैसी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे GREF भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो लोग हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक आपके आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं आप सिविलियंस जो बीआरओ में ESC या SSC के एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आर्मी के थ्रू आते हैं गाइज उनकी जो रैंक होती है वो अलग अलग चलती है, और इनकी जो रैंक है वो एक चलती है, पर रैंक होती सेम है पर बस नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई मेजर है तो उसको मेजर ही कहा जाएगा, पर यहाँ पे उसको आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह दिया जाएगा, तो यही थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उसमें। ठीक है, और जो आपका इसमें ड्रेस है यूनिफॉर्म है वो भी जो आर्मी से बीआरओ में आएंगे वो आर्मी की यूनिफॉर्म ही पहनेंगे, और जो सिविलियन होंगे वो अपनी जो यूनिफॉर्म बीआरओ की है जिसको मैंने अभी बताया कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म जैसे है उसको पहनेंगे। तो ये काफ़ी डिफरेंस वगैरह इसमें है थोड़ा बहुत। तो आपने कई जगह जो देखे होंगे बीआरओ के ऑफिसर जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं वो बेसिकली आर्मी से ही डेपुटेशन पे आए होते हैं। ठीक है, और यदि हम प्रमोशंस की बात करें गाइस, तो आप जूनियर इंजीनियर यदि जाते हैं तो आप उसके बाद प्रमोट होंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे। प्रमोशन थोड़ी सी स्लो है क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इनके हैं नहीं, और असिस्टेंट इंजीनियर से आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनेंगे, चीफ इंजीनियर बनेंगे, और डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं अगर एज हुई, बट इसमें मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो कोई आर्मी का जो पर्सनल है वही डायरेक्टर जनरल बनता है। और गाइस चीफ इंजीनियर जो है एक प्रोजेक्ट का हेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका हर एक प्रोजेक्ट का एक हेड जो हेड होगा वो चीफ इंजीनियर होगा। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीफ इंजीनियर्स बीआरओ के पास होते हैं, ठीक है, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो आपको बताइए कि ये छोटे छोटे एक सर्कल और जोन्स के जो है डिविजन्स के हेड होते हैं। तो ये इस तरह से गाइस कुछ इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक थोड़ी सी एक सिमिलर वीडियो बना रखी है एमईएस के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं एमईएस और बीआरओ में क्या है। बेसिकली कोई ज़्यादा कंपैरिजन है नहीं, एक में आपको यूनिफॉर्म मिलती है एमईएस, बीआरओ में आपको यूनिफॉर्म मिल जाती है, एमईएस में नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीएसडी कैंटीन कार्ड मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। ठीक है, और जो एमईएस है वो सारी आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी हमारे पास नेवी आपकी एयरफोर्स या आर्मी इनके लिए कंस्ट्रक्शन करती है, पर ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे ही रोड्स बनाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो थोड़ी सा आर्मी साइड पे काम करती है, पर ये तीनों के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो यही बस डिफरेंसेस हैं एमईएस और बीआरओ में, और जो सैलरी है वो थोड़ी सी बीआरओ में मैक्सिमम है, और जो लीव्स हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एमईएस, पर बीआरओ में चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो लोग जो हैं बीआरओ से ज़्यादा प्रेफर एमईएस करते हैं। पर शायद 2020 में इतनी कंस्ट्रक्शन और इतने लोगों को न्यूज़ में बार बार बीआरओ सुनने को मिला, शायद जो लोग हैं ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बीआरओ को लेके चेंज हुआ होगा। सो यही थी आज की हमारी वीडियो बीआरओ के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।